नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अभिनेता और कॉमेडियन राजीव निगम। कभी कभी मन बड़ा व्यथित हो जाता है, देश को, समाज को, चारों तरफ के हालात देख करके। और बड़ा मतलब कई चीज़ों में बांट दिया गया हमें कि आप इस चीज़ में मत बोलो, आप तो कॉमेडियन हो, है ना, जाओ कॉमेडी जोक करो, तुम्हारा काम धंधा नहीं चल रहा है तो ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब बनता है, तुम कैसे बोल सकते हो, किसानों का मसला अलग है, बैंक कर्मियों का मसला अलग है, उनका अलग है, तो जो जिस मसले पे हो वही बात करें। मतलब इतना ज़्यादा गड़बड़ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब मन व्यथित होता है तो बोलने का मन करता है कि आप लोगों के मन में भी शायद यही चल रहा होगा कि देखिए हम लोग धर्म के मामले में कहाँ से चल करके कहाँ आ गए, कितना प्यारा धर्म था, कितने हमारे यहाँ तीज त्यौहार, हम लोगों से मिलते थे, गले मिलते थे और एक दूसरे के यहाँ मिठाइयाँ बांटते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, कितनी खुशियाँ मनाते थे, घर में पूजा पाठ होता था, रामायण होती थी 24 घंटे की, लाउड स्पीकर लगता था, बच्चे हेलो हेलो बोल करके भाग जाते थे और कुछ लोग आ करके रामायण पढ़ते थे, भोजन कराया जाता था, कहीं पर भंडारा हो रहा है, सब लोग मतलब जुड़े हुए हैं। उन सारी चीज़ों से निकल करके अब हम लोग बस कौन से धर्म की बात करने लगे हैं। और ये साधु संत जिनका काम होता था समाज में लोगों को ज्ञान बांटना, शांति का पैगाम देना, लोगों के अंदर प्रेम बांटना, सत्संग करना, अच्छी बातें बताना, जिससे समाज, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिले। लेकिन आज देखिए कुछ संत, उनको संत कहना भी ठीक है कि नहीं है, कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल मतलब समाज का कुछ वर्ग मतलब इतना ज़्यादा हर चीज़ को लेकर के उत्तेजित हो गया है कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तो सबको कभी भी नहीं कहा जाता है, आज भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन कुछ संतों की भाषा देखिए, जो पहले प्रेम बांटते थे, स्नेह बांटते थे, सत्संग करते थे, आपको अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते थे, वही साधु संत आज आपको नफरत बांट रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। साधु और संतों के मुंह से अपशब्द, यही कितना बड़ा अपमान है बाकी के साधु संतों का और धर्म का। कहीं पर धर्म संसद और पता नहीं क्या क्या माहौल बनाया जा रहा है और वहाँ पे कि हम सौगंध खाते, सौगंध खाओ अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार, अच्छी बातें बढ़ाने के लिए, बताने के लिए सौगंध खाइए, जुड़िए, आपस में मिलकर धर्म के लिए अच्छा काम करिए। लेकिन ये है कि हम सौगंध खाते हैं कि अपने धर्म को ये करने के लिए हम मार भी देंगे और हमको मारना आना चाहिए और मर भी जाएंगे, ये सब क्या है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ रही है। मतलब आपस में जो देश का माहौल चल रहा है, कोरोना से 2 साल से कितने लोग पीड़ित हैं, व्यापार, काम धंधा, रोजी रोजगार लोगों का छिन गया है, कितने लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया है, किस तरीके से हिंदुस्तान अपना उठ करके वापस खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे टाइम पे लोग मतलब हमें धर्म बचाना है, हमको मार देंगे और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और वैसा नहीं कर सकते, महात्मा गांधी ये था और ये था, पुरानी पुरानी बातों को निकाल के नफरत, गंदगी, घोटाला, मतलब इतना सब कुछ गड़बड़ कर दिया है कि आने वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, धर्म किसको समझें। जो उनके बड़े बुजुर्गों ने बताया है ना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो पूजा पाठ के माध्यम से हमें बताया जाता है, जो हम चालीसा पढ़ते हैं और जो इतनी प्यारी प्यारी आरतियां पढ़ते हैं हम लोग, अलग अलग भगवान की अलग अलग पूजन की आरतियां होती हैं, जहां पे हमको आत्मबल, आत्मसुकून, शांति और धर्म के रास्ते पर चलने की बात इतने संस्कारिक तरीके से बताई जाती है, और ये दूसरा तरीका, ये कौन से मुष्टंडे हैं, मुष्टंडे जो आकर के दो लोग बैठ करके इन्होंने पूरे सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी ये 2-4-10 मुष्टंडों ने ले रखी है कि ये आकर के आपको सिखाएंगे कि वो फलाना ऐसा का दिमाग का ऐसा है, ये नफरती है, इनको काट दो, उनको मार दो, इनको ये मत करने दो। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, दूसरे धर्म से नफरत करना, दूसरे धर्म के प्रति नफरत भरना, क्या यही धर्म है अपना? आज के बच्चों का कुछ पता नहीं,
एक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है और हमें जरूरत पड़ी तो मरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे। ये इन बच्चों का काम है, अबोध बच्चे। उसमें 6-8 साल से लेकर के 10-12-13 साल के बच्चे थे, अब वो बच्चे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिन्हें एक बेहतर भविष्य बनाना है, जिन्हें अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छा काम करके देश की तरक्की में जिनको भागीदार होना है, उन बच्चों के अंदर ये नफरत और ये तुम तलवार चलाना सीखो और फरसा चलाना सीखो और मरने और मारने की, ये बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये देश, कहाँ जाएंगे हम सब, कौन सी अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, क्या हासिल कर लेंगे, कितना प्यारा धर्म जो हमेशा सुकून और शांति सिखाने वाला, जहाँ पर सिखाया जाता था जब बचपन में हम किताबों में पढ़ते थे कि एक किसी शिकारी ने एक हंस को तीर मार दिया तो उधर से कोई राजा आया, उसने घायल हंस को देखा और पानी पिला करके उसको ठीक करने की कोशिश की, तब तक शिकारी आ गया और बोलता, नहीं, इस पर मेरा हक है क्योंकि मैंने इसके ऊपर तीर मारा है। दूसरे ने बोला, मैं उसको पानी पिलाकर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब कहा गया कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। हम उस बचाने वालों की संस्कृति में से हैं। बेशक हमें अपना धर्म बचाना सिखाया जाए, हमें अपने परिवार की रक्षा करनी सिखाई जाए, हम अब सारी चीजों को बचाएं, अपनी चीजों को बचाने के लिए अगर मजबूती हमें दी जाए, हमें बच्चों को दी जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, उससे बच्चे मजबूत होंगे, बजाय इसके कि आप उनको नफरत की, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको मार दो, काट दो। अब बहुत बच्चे हैं, कई बार इन्हें पता ही नहीं चलेगा, अगर ये अपने उसमें आ गए, स्कूल में किसी बच्चे को ये किसी छोटी सी कहासुनी में उससे झगड़ा कर लेंगे, पड़ोस में झगड़ा कर लेंगे, ये छोटे बच्चे अबोध, जब इनके अंदर इतनी चीजें भर जाएंगी, छोटे बच्चे झगड़ा कर लेंगे उसमें बड़े शामिल हो जाएंगे, फिर आस पड़ोस का, समाज का ऐसे माहौल बिगड़ता है। और सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि जो देश के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, क्या उनके कानों तक ये सारी बातें नहीं जा रही हैं? छोटी छोटी बातें कोने कोने के लोग उठा करके बड़ी बड़ी रैलियों में चिल्लाते हैं, क्या इनको ये नहीं मालूम कि कौन सा बाबा, कौन सा साधु, कौन सा संत कहाँ पर क्या आग उगल रहा है, किस तरीके से लोगों को बरगला रहा है, किस तरीके से नफरत फैला रहा है, इससे देश का ही नुकसान होगा और हो रहा है। ये फिर कौन सा राष्ट्रवाद है? एक तरफ राष्ट्रवाद की बात होती है और दूसरी तरफ ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में बच्चों का भविष्य धूमिल किया जा रहा है, खतरे में डाला जा रहा है। जब ये सब खतरे में होगा तो हिंदुस्तान भी खतरे में होगा, हमारी तरक्की खतरे में होगी। अफसोस है, लेकिन अब ये भी नहीं समझ में आता है कहां कहा जाए, किससे कहा जाए, कौन सुनेगा। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे ही कोई शांति और बीच के सौहार्द की बात करता है, नफरत ना फैलाने की बात करता है, तो लोग उसे ही टारगेट कर लेते हैं कि ये देखो हमारा विरोधी आ गया, तब तुम कहाँ थे, तब कहाँ थे, उसी को आकर के 10 लोग सिखाने लगेंगे और उसको आकर के बताने लगेंगे कि ये देखो एक और आ गया विरोधी, गुलाम, और पता नहीं क्या क्या लोग, मतलब उस जो सच्चा प्यार बांटने वाला, शांति बांटने वाला अगर कोई आदमी अगर अपनी बात रखना चाहे तो उसको तरह तरह के नाम से नवाजेंगे, उसके ऊपर हमला कर देंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तब आदमी टूट जाता है। लेकिन हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमें अपने वतन से, अपने राष्ट्र से, अपने लोगों से प्रेम है, हमें प्रेम फैलाना है, हमें प्रेम की भाषा सिखाई जाती थी, प्रेम से हमने बहुत सारी चीजें फतेह की हैं। और जहां पे जब जरूरत पड़ती है या पड़ी होगी या पड़ेगी, तब प्रभु पता नहीं कहां से आपको अपने परिवार की, अपने आप की रक्षा करने के लिए कोई एक ऊर्जा देता है, प्रभु देता है, अगर आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं।
अन्यथा कितने लोग ऐसे भी हैं जो पूरे तरीके से अपना तमाम साजो सामान और औजारों से लैस होते हैं और मौका पड़ जाता है तो कोई औजार काम नहीं आता। काम आती है आस्था, प्रभु की सच्ची सेवा, तो हम उस तरफ बढ़ें, अपने राष्ट्र को मजबूत करें, अपने नौनिहालों को मजबूत करें, अपने देश के भविष्य को मजबूत करें। ये बात मैं, लोग कहते हैं कि आप कॉमेडियन हो, लेकिन कॉमेडियन भी एक, जो भी अपनी बातें रखता है या जो भी हास्य व्यंग प्रसंग जो भी करता है, वो विषय कहाँ से लाता है? इसी समाज से लाता है, यही ऑब्जर्व करता है, यही एक कुछ देखता है। आप देखिए, एक इतना बड़ा बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के खुलेआम घूम रहा है। अगर किसी कॉमेडियन की जबान भी अगर कहीं धोखे से लड़खड़ा जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर FIR लॉन्च कर दो, उसको देशद्रोही बता दो, धर्मद्रोही बता दो। तो ये जो फर्क है ना, ये खाई पैदा कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं चाहे कोई कॉमेडियन अगर गलत बात कर रहा तो उसको भी उठा के डालो, लेकिन अगर इधर भी कोई गलत बात कर रहा तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इस देश में न्याय व्यवस्था या बड़े लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी नजर हर चीज में है, और वो ईमानदार लोग हैं, वो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें देश की चिंता है, देश के भविष्य की चिंता है। एक अच्छा मैसेज जाए, ना कि इसको पकड़ दिया और उसने ऐसा बोल दिया, छोड़ो अभी उधर कौन देखेगा, उसको रहने दो, उसको जो बक। सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अच्छी भावना से, अच्छे प्रेम से अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, प्रेम फैलाएं, हंसे हंसाएं, खुश रहें और देश को खुशहाल बनाएं। सब्सक्राइब करें परिवार TV, खबर अच्छी, बात सच्ची।